अंदाजा भी चल रहे हैं, तो बढ़िया चल के आराम से एक्सयूवी लेके आते हैं। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर वेल। तो मेरा नाम है शुभम यादव और आप देख रहे हैं कूल बॉय कैन बैठा रहे ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम यहां से निकल रहे हैं घर के लिए। सो गाइस, अभी घर चल के बहुत अच्छा सरप्राइज है, तो वहां से चल के पता चलेगा। तो अभी हम यहां से निकलते हैं। अभी हम हैं ग्रेटर नोएडा में एंड अभी हम निकलेंगे न्यू दिल्ली से। हमारी ट्रेन है हम सफर एक्सप्रेस, तो वहीं से आराम से निकला जाएगा। तो लेट्स गो, चलते हैं। अभी हमारा ये बैग पैक हो चुका है। आज ये काम करते हैं, वर्ल्ड कप का माहौल सेट करते हैं और शुरुआत करते हैं पहले T20 वर्ल्ड कप से 2007। सिस्टम गर्म कम हो जाएगा आपका, यही सब अंतर आएगा भैया उसमें। तब ये जितना ले। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर वेल। तो अभी हम यहां से निकल रहे हैं अपनी कार डिलीवरी के लिए। तो अभी यहां से निकलेंगे करीब 10:30 बजे तक यहां से निकलेंगे एंड फिर आराम से बढ़िया कार लेने चलेंगे। तो अभी हम हैं अपने घर पे, तो अभी देख रहे होंगे हालत ख़राब है मेरी और एंड अभी फ़िलहाल रेडी होने का वक्त आ गया है। तो अभी एक घंटे में रेडी होकर हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो हाँ, मैं अपनी थोड़ी फैमिली भी रहेगी, उनको थोड़ा काम है यहाँ पे एंड फिर आराम से कार डिलीवरी लेने चलेंगे आराम से। लेट्स गो। तो गाइस, मेरी खुशी अब देख रहे होगे ना, मेरा 15 जुलाई को बर्थडे है, लेकिन एक महीने पहले गिफ्ट मेरे को मिल रहा है। गिफ्ट क्या है अभी मैं चल के तुम सबको दिखाऊंगा। एंड अभी मेरे पापा मेरे को कॉल किया था जब मैं दिल्ली या फिर नोएडा में था, तो भी उन्होंने बोला कि भाई चले आओ यहाँ पे, बेटा चले आओ यहाँ पे, तुम्हारी कार आ गई है। यस यार, इससे अच्छी खुशी क्या मिल सकती है। तो भाई, कैसे हैं आप लोग? तो इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है तो मैंने कहा मैं भी एक शेयर कर देता हूँ तुम सबको। आज से करीब एक महीने बाद 15 जुलाई को मेरा बर्थडे है। हाँ जी, 15 जुलाई को मेरा बर्थडे है। 15 जुलाई के को ही ये इंसान पैदा हुआ था जो कि इतना घूमता है। बट ये घूमने के रिलेटेड नहीं है, ये है कि पापा मेरे हमेशा एडवांस गिफ्ट देते हैं मेरे को, कुछ ना कुछ फ़ोन्स हो गया, मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव चीज़ देते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना इसलिए। सो इस बार जो देने वाले हैं ना यार, मेरे दिल के बहुत करीब है, मतलब मेरा फेवरेट वन है। एंड सो गाइस, अभी तुम्हारा भाई भी हो गया है रेडी एंड अभी बैग लेके अब यहाँ से निकलने वाला हूँ। उसके बाद फिर फैमिली के साथ निकलते हैं यहाँ पे, फिर अपना बढ़िया XUV 700 लेने के लिए यहाँ से बस निकलते हुए। भाई 4-5 महीने से बुक हुई थी, उसके बाद फिर इधर उधर हो रहा था, बट फाइनली डेट फिक्स हो गया है आज का। एंड सारा कागज़ वगैरह कंप्लीट होने के बाद अभी हम निकलेंगे। क्या भाई, निकल ही रहे हैं, हम हो गए, हमारे चाचा हो गए एंड पापा भी लास्ट में आएंगे एंड दादा भी चल रहे हैं। तो बढ़िया चल के आराम से XUV लेके आते हैं। अभी अगर हम स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि NDA क्लियर मेजोरिटी में, ठीक है, NDA क्लियर मेजोरिटी में, लेकिन वैसे मेजोरिटी में नहीं है। और अगर आप 272 से कम भी रहते हैं और स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे भी रहते हैं तब भी उस तरह से नहीं है ना, जिस तरीके से आप उम्मीद जता रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन किया है NDA के सामने, इसमें कोई डराई नहीं है, ये सच्चाई है। एंड सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं महिंद्रा शोरूम में जो कि अपनी कार लेने के लिए आए हैं। और जो मैं तुम सबको अपनी कार दिखाता हूँ, XUV 700 AX5। सो गाइज, ये है हमारी XUV 700 AX5। तुम्हारा भाई आ गया है एंड अभी जस्ट एसोसरीज का कुछ काम चल रहा है। एसोसरीज का काम चलने के बाद फिर हम लोग कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा, कम से कम 2-3 घंटे तो उसी में लग जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग ले लेंगे आराम से। पीछे का इंटीरियर देख रहे होगे, इंटीरियर काफी बढ़िया लग रहा है भाई। ये तो सिर्फ चलाने चलाना है भाई यहाँ पे, तो अब तो ये तो मौज आ गया है भाई। सही लग रहा है ना? कमेंट में जरूर बताना भाई कि कैसा लग रहा है आपको ये, कैसा मतलब कि XUV अच्छी है या नहीं अच्छी है। एंड अभी लेके चलते हैं हनुमान मंदिर, बढ़िया दर्शन वर्शन किया जाएगा, बढ़िया हनुमान मंदिर पे लेके पहले चढ़ाया जाएगा, दर्शन वर्शन करके फिर आराम से घर पे लेके चलेंगे। तो अभी हनुमान मंदिर भी चलेंगे एंड देख रहे हो भाई अभी चाचा लोग आए हैं, तो भाई उनके सामने तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाता। देखो ये सामने हमारी स्कॉर्पियो वैन खड़ी हुई है, ये देखो ये भी बहुत काली गाड़ी है बट इसका कम्फर्टेबल नहीं है भाई। गाड़ी सबसे बेस्ट लगती है मेरे को, बट ये एक कंफर्टेबल में ना मेरे को XUV ज़्यादा बेस्ट लगी है, इसी वजह से मैंने XUV चूज़ किया है। साइड XUV AX7 रखी हुई है, ये वाली जो मॉडल है 7 है एंड इस साइड बोलेरो भी है एंड अलग अलग है।
खबर में टाइम लगेगा कितना 7-8 बज जाएगा। सड़के पे भाई ये देखो घर पे गाड़ी आ गई है अपनी एक्सयूवी, अभी तो नंबर प्लेट भी नहीं लगाया। ये रही चाबी देसी बालक गामा के। यस सो गाइस ये कार आपको कैसी लगी एंड पीछे का इंटीरियर आप देख सकते हो काफी बेहतरीन दे रखा है, सारा फीचर्स अभी हम आपको बताएंगे। तो अभी एक नए ट्रिप पे हम चलने वाले हैं, तो अभी हो सकता है मैं एक ट्रिप पे जाऊं यहीं आस पास, शाम तक अभी प्लान बन जाएगा तो शाम को ही निकल चलेंगे कहीं आसपास घूम लिया जाएगा 100-150 किलोमीटर के पास में ही। एंड अभी एक दो हफ्ते बाद फिर बुलाया है एजेंसी में, कुछ इसमें और भी फीचर्स ऐड होंगे, मतलब और फीचर्स ऑलरेडी हैं इसमें, जैसे कि 2-4 एसयूवी सीरीज और भी ऐड होने हैं तो वो भी लगने वाले हैं। तो अभी इस समय शोरूम पे आया नहीं था, मतलब कि शॉप पे आया नहीं था, तो वहीं से शोरूम महिंद्रा के शोरूम पे ही लगेगा। बढ़िया बढ़िया स्टार्ट करके अभी आगे चलेंगे हम लोग। तो इसको Thank you.